दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मोबाइल हीरो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक जबरदस्त वीडियो, जिससे मुझे लगता है कि इस फोन को खरीदने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो रेनो 2F मोबाइल फोन की। इसकी कुछ मेजर प्रॉब्लम जो इस फोन में है वो अगर आपको पता ही नहीं है और आपने फोन परचेज कर दिया, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि मुझे कोई कंपनी फ्री का मोबाइल फोन या कोई पैसे कोई प्रचार प्रसार करने के लिए या मैं किसी की मार्केटिंग तो करता हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ झूठ पे झूठ बोलता जाऊंगा। इसलिए मैं इसकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बहुत आदमियों के ऐसे भी क्वेश्चन थे, हर फोन में प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस फोन की भी हो, कोई मतलब ऐसा फोन तो नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना भी उचित समझा। बहुत से दोस्तों का ये कहना भी था कि इसकी एक वीकनेस वाली जो इसके अंदर वीकनेस है उस पर एक वीडियो बनाई जाए, तो मैंने कहा ठीक है आपसे शेयर कर देता हूँ। फ्रेंड सबसे पहले मैं इसकी वीकनेस बताऊंगा। इसकी जो बॉडी है, ग्लास बॉडी है जो बैक साइड में, वो एक बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है, आप इस फोन को बिना कवर के यूज ही नहीं कर सकते हो। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये, आप जब भी इस मोबाइल फोन को हाथ में लोगे बिना कवर के तो ये फिसल जाता है। यदि आप कोई वीडियो देख रहे हो और कोई मूवी अगर देख रहे हो और हाथ में आपने फोन पकड़ा हुआ है तो ये कभी भी फिसल करके नीचे गिर सकता है, और यदि आपके हाथ में थोड़ा भी पसीना आ जाए तो ये होल्ड ही नहीं हो सकता है, तुरंत स्लिप हो जाता है। इसकी एक मेजर प्रॉब्लम ये है। दोस्तों ये जितनी भी मेजर प्रॉब्लम है ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं इसे 1-1.5 महीना से यूज कर रहा हूँ, तो सोचा आपसे भी शेयर कर दूं। दूसरी इसके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम मैंने इसके कैमरे को लेकर बताऊंगा। कैमरे बाकी सब अच्छे वर्क करते हैं लेकिन इसकी जो जूम, इसमें आपको जो 10x का जूम मिलता है, 10x जो आपको मिलता है, उसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप जब भी उस जूम को करोगे फोटो की क्लियरिटी खराब हो जाती है। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा इश्यू है इस फोन के अंदर। तीसरा इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको एड फ्री एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप यूट्यूब खोलो या कोई भी एप्लीकेशन खोलो तो थोड़ा बहुत एड्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें बिल्कुल एड फ्री एक्सपीरियंस रहेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें भी एड बहुत आती है, दबा के एड आती है। चौथी इसकी मेरे को मेन जो मेजर प्रॉब्लम लगी, आज की डेट में 5000 mAh बैटरी मिनिमम हो गया आज की डेट में, तो ये मोबाइल फोन में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि ज्यादा बड़ी बैटरी नहीं है आज की डेट के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये भी इसमें बैटरी आपको उस लेवल की नहीं मिल रही है कि जैसे 5000 या 6000 mAh तक की बैटरी अब फोन में आने लग गई है, तो बड़ी बैटरी नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं एक वीकनेस में ही काउंट करेंगे आज की डेट के हिसाब से देखा जाए तो। पांचवी इसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये है, जो ओप्पो का अपना जैसे प्ले स्टोर है वो तो गूगल का है, वैसे ही ओप्पो का अपना जो स्टोर है जिससे वो ऐप देता है उसका नाम है ऐप मार्केट। तो इस ऐप मार्केट को मैं कभी भी ऑन नहीं करता हूं। एक बार गलती से मैंने उसे ऑन किया था, उसके बाद तो मानो नोटिफिकेशन की लाइन लग गई थी, इतने नोटिफिकेशन आ रहे थे। इस एप्लीकेशन ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था, सेटिंग में जाकर के क्लियर स्टोर वगैरह करके उसको बंद ही रखता हूं मैं, उसको कभी टच भी नहीं करता हूं उसके बाद। तो ये भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है इस फोन के अंदर। छठवीं इसके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक लेटेस्ट मोबाइल फोन नहीं है, ये पुराना मोबाइल फोन है। मेरा कहने का मतलब है इसको लॉन्च होकर के 1 साल हो चुका है, 1 ईयर पुरानी टेक्नोलॉजी को आज की डेट में खरीदते हो। है ये मोबाइल फोन हर चीज में परफेक्ट है, बाकी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन आप एक ओल्ड वर्जन खरीद रहे हो तो आपके माइंड में ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मैं जो मोबाइल फोन खरीद रहा हूँ ये लॉन्च अभी नहीं हुआ है, इसको लॉन्च होकर के पिछले साल अक्टूबर में इंडिया में लॉन्च हुआ था 2019 में। अगर ये ओल्ड वर्जन है फिर भी आपको इसमें एंड्रॉइड 10 मिलता है जो कि एक अच्छी बात है। बहुत से मोबाइल फोन इसी 2020 में लॉन्च हुए हैं लेकिन उनमें आपको एंड्रॉइड 10 अपडेट नहीं मिलता है, तो इस मोबाइल फोन में आपको देखने को मिलता है जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जो इसकी जो मेजर प्रॉब्लम थी वो मैंने आपसे शेयर करनी थी। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि ये एक ओल्ड वर्जन है, ये ओल्ड मोबाइल फोन है। वैसे इस मोबाइल फोन में बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी इश्यू ऐसा मेरे को देखने को नहीं मिला, चाहे वो बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे इसकी परफॉर्मेंस हो या चाहे कुछ भी हो, इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स मेरे पास कुछ है नहीं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आई होप मैंने आपको सेटिस्फाई किया होगा अपने इंफॉर्मेशन से। हमसे अभी भी कुछ छूट गया हो या हमसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, कमेंट में बता भी दीजिएगा, और यदि आपके कोई क्वेश्चन हो कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी टीम से आपको रिप्लाई करवाने के लिए, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।